नमस्कार दोस्तों, वाइस कोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं लाता रहूं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी और भी वीडियो। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ज़िंदगी में दुखों का कारण, जी ज़िंदगी में कितने भी दुख हों, सभी दुखों का कारण तकरीबन एक ही होता है, और वो कारण है एक्सपेक्टेशन, यानी कि अपेक्षा। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेक्टेशन ही हर दुख की जननी होती है। जब हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तब हम दुखी होते हैं। ये एक्सपेक्टेशन किसी से भी हो सकती है, माँ से, पिताजी से, भाई से, बहन से, गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से, पति से या पत्नी से, बच्चों से, या कोई भी जो आपका करीबी है उससे भी हो सकती है। ज़्यादातर लोगों को तो भगवान से या अपनी किस्मत से भी बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। दरअसल दोस्तों, हमारी मनोव्यथा ऐसी होती है कि हम चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं ज़िंदगी वैसी ही चलनी चाहिए, और दूसरे भी हमारे अनुसार ही चले। ये हो जाती है हमारी अपेक्षा, यानी कि एक्सपेक्टेशन। पर ऐसा होता नहीं है, ज़िंदगी कभी कभी इसके विपरीत चलती है और हमारी अपेक्षा टूट जाती है, जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं और निराश हो जाते हैं। ज़िंदगी हमारे अनुसार नहीं चलती है, ये हमेशा नियति के अनुसार चलती है। वो किसी ने कहा है ना, नियति कभी तुमसे पूछकर अपना रुख नहीं बदलती है, होता वही है जो आपकी नियति में लिखा होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आज से ही किसी से भी किसी प्रकार की अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। ना ही आपकी अपेक्षा टूटेगी और ना ही आप दुखी होंगे। एक बात और, जब आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वैसा ना हो तो आप दुखी होते हैं। लेकिन अगर आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और फिर भी कोई आपके लिए कुछ अच्छा कर देता है, तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। इसलिए ज़्यादा खुशी एक्सपेक्ट ना करने में है। तो आज से ही एक्सपेक्ट करना छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी बिना दुख के जियो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि ज़िंदगी जीने का नाम है। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं लाता रहूँ आपके लिए और भी ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो। धन्यवाद।